आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे अपने घर में। और हो चुकी है नई दिन की नई शुरुआत और आज का दिन है बहुत ही खास, क्योंकि आज जाना है मुझे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके करना है ब्लड डोनेट, क्योंकि सफदरजंग का ये रूल है कि जब कोई लेडीज प्रेगनेंट होती है तो उसके हस्बैंड को ब्लड डोनेट करना होता है या परिवार का कोई भी सदस्य ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसी के चलते हुए ब्लड डोनेट करने आज मैं जा रहा हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल ब्लड डोनेट का रीज़न ये होता है कि कभी इन फ्यूचर रुचि को ज़रूरत पड़ जाती है ब्लड की, तो इस ब्लड के बदले वो दूसरा ब्लड रुचि को चढ़ाएंगे जो उसके ग्रुप का मैच करता हो। तो ये ब्लड देना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे, तो मैं जाता हूँ और ब्लड दे के घर आता हूँ। भोलेनाथ जी का, और यहाँ पर सूरज भी बहुत तेज, गर्मी भी बहुत तेज हो रही है। तो दोस्तों मैं छत पे आया था सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो सूर्य को अर्घ दे चुका हूँ और उसके बाद अभी मैं कपड़े भी सुखा चुका हूँ, तो उसके बाद अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, थोड़ा खाना वाना खाते नाश्ता वास्ता करते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ब्लड देने से पहले भरपेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से थोड़ा सा ब्लड भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चक्कर वक्कर नहीं आते, कुछ ऐसा रीज़न होता है कि खाना खाना चाहिए ब्लड देने से पहले। तो चलते हैं और खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ पर आ चुका है नाश्ता, जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लड देने से पहले नाश्ता खूब करना चाहिए, तो नाश्ते की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर नाश्ते में है पराठे और अरबी की सब्जी, मम्मी ने बनाई है, तो मम्मी को दिखाते हैं। वाह, हाँ मम्मी के छक्के छूट रहे, क्यों गर्मी इतनी है, गर्मी से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, ज़्यादा गर्मी में ही होती है, सर्दियों में भी होती है हालांकि तबीयत खराब ज़्यादा, बट गर्मियों में पसीने से आदमी तर बतर और सर दर्द ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो मम्मी पी रही है दूध, मैं भी पी रहा हूँ दूध। यहाँ पर मैं खाना वाना खा के मैं नीचे आ चुका हूँ अपने रूम में और यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू हो रही है, मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मेट्रो स्टेशन के बाहर गेट नंबर 3 एम्स के, यहां पर मैं पहुंच चुका हूं ब्लड बैंक के बिल्डिंग के बाहर। तो बिल्डिंग के अंदर जाकर कैमरा चलाना यूज़ करना फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सिक्योरिटी गार्ड मना करते हैं। तो अभी मैं जितनी वीडियो हो सकती है यहीं पर बना रहा था ब्लड देखने के बाद, तो थोड़ा सा सर भारी भारी सा लग रहा था, तो मैंने ले ली फ्रूटी और फ्रूटी पीते हुए जाऊँगा। तो अभी मैं पहुंचा था बॉर्डर और बॉर्डर में चलते चलते दिखी जूस की दुकान, तो जूस की दुकान में मैंने सोचा थोड़ा सा जूस पी लिया जाए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा एनर्जी मिल जाए घर तक जाने के लिए, तो इसीलिए मैं जूस की दुकान में रुका और जूस बनवाया मैंने और यहाँ से जूस पीते हुए घर की तरफ निकला। अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पर, क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो बना नहीं सकते थे, अंदर जाके उन्होंने स्पेशली मना कर दिया था कि आप जब ब्लड डोनेट करने आए हो तो वहाँ फ़ोन यूज़ मत करिएगा, वीडियो शूट मत करिएगा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है अदर पेशेंट्स को, तो इसलिए उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। अभी घर आया हूँ मैं और घर आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब महसूस ऐसा हो रहा है, कमजोरी सी फील हो रही है, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था, तो मतलब ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब शरीर थोड़ा सा डल हो चुका है, थोड़ा सा मतलब मुरझाया हुआ सा है, तो मतलब पेन भी हो रहा है जिस जगह से उन्होंने ब्लड निकाला, हाथ के इस एरिया से ब्लड निकाला, तो पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा उसमें, तो पेन तो होता ही रहेगा,
मगर डोनेट करने की खुशी और अलग होती है। तो उसी के चलते हुए मतलब उसको रिकवर करने के लिए मैंने इतने सारे जूस पी लिए, इतने सारे जूस पी लिए, बहुत सारे जूस पिए मैंने। मतलब 2 बोतल तो वहां पर पी थी जूस की, 2 बोतल जूस की हॉस्पिटल पे ही पी थी, और 1 बोतल उन्होंने भी दी थी जूस की, और घर आकर भी जूस पिया और रास्ते में भी जूस पिया। तो जूस पी पी के पूरा पेट हो चुका फुल। और अभी ऊपर गया तो ऊपर मम्मी ने खाने के लिए चने दिए थे काफी सारे, तो चने खाए। मतलब सब इतना ज्यादा खाना, वो दिन नजदीक आने वाला है, दूर नहीं रहा, जब रुचि एडमिट होने वाली है। तो एडमिट होने से पहले मैंने ये ब्लड डोनेट कर दिया है, क्योंकि ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी होता है, उसी के बाद वो एडमिट करते हैं। पहले ब्लड डोनेट होता है, फिर उसके बाद एडमिट करते हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं रहे जब रुचि एडमिट होगी और जल्दी हमारे पास बेबी तो होगा। इस ब्लॉग को करते तो हैं यहीं पे एंड, और देखते रहिए, बने रहिए मिस्टर एंड मिसिज भट्ट के साथ, और यूं ही अपना प्यार देते रहिए इस चैनल को। Push-ka-doom, push-ka-doom, push-ka-doom.